सो गाइज, हाउ आर यू? कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे और सेफ होंगे। सो आज का व्लॉगिंग का टॉपिक है 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया गया। ओहो हो, देखो ये आंटी, फोन इतना इम्पोर्टेंट है क्या? जान से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो जैसे कि मैं कह रहा था कि 59 ऐप्स, चाइनीज ऐप्स सब बंद हो चुकी है, इंक्लूडिंग टिकटॉक एंड यूसी ब्राउजर एंड मैनी मोर। स्क्रीन पे आप देख लो कौन सी ऐप्स है और किस किस ऐप से आपको इफेक्ट पड़ रही है। मुझे तो लग रहा है कि यार टिकटॉकर्स को ज़्यादा तकलीफ हो रही होगी। अबे साले कभी, क्योंकि भाई साहब वही तो था यार जिसने फेमस किया उन सबको, अब क्या करेंगे। जोक्स अपार्ट, बट देखो वो ऐप्स और ये देखो ये भाई को भी फोन इम्पोर्टेंट एंड रोड क्रॉस करना साथ में। सो मैं ये कह रहा था कि यार ऐप्स बैन करने का रीज़न वो नहीं था कि मतलब इनको चाइना को दिखाना था कि भाई साहब देखो हम आपका ये सारे प्रोडक्ट्स बंद कर रहे हैं, मतलब ऐप्स बंद कर रहे हैं सारी, आपको इससे ये दिक्कत हो जाएगी, आपको फाइनेंशियली इशू होगा एंड ये सब वो सब अब क्या कहते हैं, प्रॉब्लम नहीं था इनको। इनको बस ये था कि अपने जो प्रिवेसी होती है, जब आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो तो उसमें आपको पूछते हैं कि डू यू वांट टू अलाउ, और हम लोग है ना बिना देखे बिना समझे सब चीज़ अलाउ कर देते हैं कि हाँ भाई तुम देख लो, मेरे कॉल लॉग्स भी एक्सेस कर लो, मेरे फ़ोटोज़ भी एक्सेस कर लो, सब कुछ मेरा एक्सेस कर लो, और ऐप में होता क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब जो अनरिलेटेड चीज़ें हैं वो भी एक्सेस मांग लेते हैं, और उससे क्या होता है कि भाई आपकी प्राइवेसी ब्रीच करते हैं उन लोग, क्योंकि भाई आपने तो उसको एक्सेस दे दिया, आपने तो विलिंगली बोला कि हाँ यू आर अलाउड टू सी ऑल द थिंग्स विच यू आर आस्किंग एंड सारे जो भी एक्सेस दे दिए आपने, और उसके बाद आपके कॉल लॉग्स आपके अकेले के नहीं रहे, आपके फ़ोटोज़ आपके अकेले के नहीं रहे, सब कुछ वो क्या कहते हैं पर्दे के पीछे बैठ के सब कुछ आपका सब कुछ एक्सेस कर सकते थे। और इससे क्या हो रहा था ना कि अपनी जो भी पर्सनल क्या कहूँ उसको मैं, अब इंफॉर्मेशंस ले लो या जो भी आपके प्राइवेट फ़ोटोज़ ले लो या कुछ भी हो, वो सब कुछ उन लोग ब्रीच कर सकते थे, और वो हो भी रहा था। उस चक्कर में इंडिया ने बैन किया है, ना कि किसी खुंदस में इन लोग ने बैन किया है, जो कि अपने लोग सबको ना साथ मिलकर सपोर्ट करना चाहिए, एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि ये पहले भी ऐसा हो चुका था कि जितने भी ऐप्स जो भी थे वो सारे ब्रीच करते थे, आपसे एक्सेस तो मांग लेंगे हर चीज़ की और हम लोग खुशी खुशी दे भी देंगे बिना उनसे कुछ सवाल किए, बिना ये सोचे समझे कि भाई ये एक्सेस उस ऐप को, उस पर्टिकुलर ऐप को ज़रूरत है उस एक्सेस की या नहीं। तो जो भी था ये एक बड़ी न्यूज़ थी, अभी हाल फिलहाल में यही चल रहा है कि 59 ऐप्स, चाइनीज़ ऐप्स बंद हो चुकी है। सो मैं तो भाई सपोर्ट में हूँ इस चीज़ के, जहाँ तक अपने सिक्योरिटी और अपने क्या कहते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशंस के रिलेटेड कुछ भी हो, वी शुड ऑल सपोर्ट इट, बिकॉज सही नहीं है यार। कोई और पर्सन, कोई और कंट्री का बंदा अपने इन्फॉर्मेशंस कभी भी किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं यार उन लोग। तो जहाँ तक ये डिसीजन है सरकार का, तो मेरे हिसाब से तो सही है, बंद कर दी जितनी भी थी। और लोग कह रहे हैं कि पबजी भी बैन हो जाएगी, बट जहाँ तक मैंने पढ़ा है आर्टिकल्स और जहाँ तक मुझे पता है, पबजी मैं भी खेलता हूँ, ये पबजी वाला है क्या? तो पबजी चाइनीज गेम नहीं है, वो साउथ कोरियन गेम है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत हूँ तो भाई माफ़ कर देना,
बट जहाँ तक मुझे पता है कि वो साउथ कोरियन ऐप है, गेम है, एंड टेंसेंट जो है जिसने उसमें शेयर ले रखे हैं, टेंसेंट चाइनीज है। सो अब मुझे नहीं पता कि अब सरकार उसको बैन करेगी नहीं करेगी, इसका मुझे कोई नॉलेज नहीं है इतना, बट जहाँ तक मेरा समझ जाती है मुझे नहीं लगता कि उस वजह से पबजी भी बैन होगी। अगर भाई साहब पबजी बैन हो गई तो लड़के अपनी नसें काट लेंगे, मतलब लिटरली नहीं एमी, बिकॉज पबजी की वजह से कितने लोगों का गुजारा चल रहा है। आप ये देख लो कि जितने भी यंगस्टर्स हैं सारे पबजी खेलते हैं, और अपने गेम स्ट्रीमर्स यूट्यूब पे जो गेम स्ट्रीमर्स हैं मोस्टली सब पबजी पे ही हैं, जो कि अच्छी बात भी है यार, वो टैलेंट है यार, खेलना भी एक आर्ट है, आर्ट है आर्ट। सो वही मैं कह रहा था कि पबजी मुझे नहीं लगता कि बैन करेंगे आगे, तो भाई मोदी जी की इच्छा कि वो क्या करें। बाकी यही थी जो न्यूज़ थी जो अभी रिसेंटली चल रही है, तो सोचा कि आपसे ये भी डिस्कस कर लिया जाए, तो कर ली। बाकी और भी सब चीज़ें चल रही है अभी दुनिया में, मेरे से ज़्यादा न्यूज़ तो आप शायद देख ही रहे होंगे, तो मुझे ब्रॉडकास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। साउथ में भी सब कुछ चल रहा है, आपको पता ही है, वो जस्टिस फॉर जयराजन फिनिक्स, उनके साथ भी जो हुआ बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। मेदर सोल रेस्ट इन पीस, एंड जिसने भी ये सब किया है उनको सज़ा मिले। दैट्स ऑल मुझे कहना था इनके बारे में, तो बस यही था आज का टॉपिक। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड एन्जॉय योर लाइफ, राइड सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, टाटा।